नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। किसान भाइयों, धान के फसल में दानेदार इंसेक्टीसाइड कई प्रकार के डालते हैं, उन्हीं इंसेक्टीसाइड भैया के काउंटर में रखा हुआ है, उसी के बारे में भैया से जानने की कोशिश करेंगे। भैया, ये जो खाद आपके काउंटर में रखा हुआ है यूरिया DAP में मिला के डालने वाला धान के फसल में, इसको प्रति एकड़ डोज कितना लेना है और किसान को एक एकड़ का खर्चा कितना पड़ने वाला है, उसी के बारे में एक एक करके जानकारी बताइए। नमस्कार किसान भाई, मैं रविकांत पटेल, राघवेंद्र की समाचार से हूँ। भैया, प्रति एकड़ ये 4 KG का लगता है, कीटनाशक क्लोरिन डेलिफोल 0.4% पड़ता है। ये बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड का ये 550 रुपये प्रति एकड़ 4 KG का, ये FMC का फर्टेरा के नाम से आता है, प्रति एकड़ खर्चा है। ये एग्रो स्टार का रेपिजन के नाम से आता है, ये 550 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है ये भी। और एग्रो स्टार का ही इलियोस के नाम से आता है, ये जो है कि वर्टाको टेक्निकल, जिसमें थायोमेथोक्साम 1% और क्लोरेंटर डेलीफ्रोल 0.5% वेटेबल ग्रेन्यूल फॉर्म में होता है ये जी। ये 700 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है, जो 2.5 किलो का प्रति एकड़ चलता है जी। भैया, इन कीटनाशकों को कौन से समय पर डालना है और किस तरह से डालना है? ये कीटनाशक ये रोपाई के 15 से 20 दिनों बाद दूसरे खाद में आप इसे डाल सकते हैं। चाहे तो आप रेत में लगभग 7-8 किलो रेत भी बनेगी, आप इसे DAP की उनसे खाद मिला के आप इसे डाल सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं।